हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बाउल वॉश के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बाउल वॉश सॉल्यूशन टू क्लियर कोलन एंड फेसेस। लार्ज क्वांटिटी में फ्लूड को कोलोन के अंदर से डालना और उसको क्लीन करना। वॉशिंग आउट ऑफ कोलोन विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन टू क्लियर कोलोन ऑफ फेसेस। इसके अंदर ये पेशेंट को पोजीशन भी दी गई है और प्रोसीजर कैसे किया गया है उसका तरीका भी बताया गया है। तो इमेज देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट आते हैं हम इसके पर्पज पे। पर्पज कि हम क्यों करते हैं बाउल वॉश। टू प्रिपेयर कोलोन फॉर स्पेसिफिक सर्जिकल और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। टू डाइल्यूट एंड रिमूव टॉक्सिक एजेंट दैट मे बी प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। टू रिड्यूस टेम्परेचर इन हाइपरपाइरेक्सिया एंड हीट स्ट्रोक। To supply fluid and electrolytes that are absorbed from intestine. To stimulate peristalsis. To relieve inflammation or to keep the individual clean in case of fecal incontinence. Next आता है इसके contraindication के कब कब हमें नहीं करना चाहिए। Bleeding hemorrhoids, जब hemorrhoid से bleeding हो, chronic diarrhea हो, रेक्टल सर्जरीज हो रखी हो या कोई इन्फेक्शन हो, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, तब रेक्टेशन एंड एनल फिस्टुला, इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुलम, पेनफुल स्किन लीजन अराउंड एनस। नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन यूज्ड। कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले प्लेन वाटर, दूसरा कोल्ड वाटर, तीसरा NS यानी कि सोडियम क्लोराइड या नॉर्मल सेलाइन जो होता है, नॉर्मल सेलाइन और सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन 1-2%, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है वो 1:5000 में है। फिर आएगा पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 1:5000। फिर आएगा थाइमोल 1:100। एलम अपन बोलते हैं फिटकरी को, जिसका रेशो है 1:100। बोरिक सॉल्यूशन होगा 1-2%, एंड टैनिक एसिड होगा 1:0.0%। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यूज 2-3 liters और टिल द रिटर्न फ्लो इज क्लियर। 2-3 liter वाटर के अंदर अपन ये अमाउंट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना होगा। फॉर क्लेंजिंग पर्पज से 104 degree Fahrenheit और फॉर रिड्यूसिंग टेम्परेचर 80-90 degree Fahrenheit। इसके बाद हम आर्टिकल कौन कौन से यूज़ करते हैं। सबसे पहले ट्रे के अंदर क्या क्या रखेंगे। क्लोनिक लावेज सेट विद ट्यूबिंग एंड ग्लास कनेक्शन। सेकंड आएगा रेक्टल ट्यूब। एडल्ट के अंदर 22-30 फ्रेंच की होती है। टिश्यू पेपर्स। फिफ्थ है मैकिंटोश। नेक्स्ट है जग्स विद हॉट एंड कोल्ड वाटर, किडनी ट्रे, बकेट्स, सॉल्यूशन, बेड पान विद लिड, डस्टर या टॉवल, पेरिनियल टॉयलेटरी, क्लीन डिस्पोजेबल ग्लव्स एंड प्लास्टिक एप्रन। इसका प्रोसीजर कैसे करेंगे। चेक द पेशेंट चार्ट फॉर फिजिशियंस ऑर्डर एंड एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। एक्सप्लेन टू द पेशेंट अबाउट प्रोसीजर एंड हाउ ही हैज़ टू कोऑपरेट। नेक्स्ट आएगा वॉश हैंड एंड डॉन ग्लव्स। प्रिपेयर सॉल्यूशन एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर।
attach the tubing and the rectal tube with funnel. Pour the solution in it and check for leakage. Lubricate the tip of rectal tube with the funnel. Fill the funnel with the solution and expel the air from the tubing by allowing a small amount of fluid into the kidney tray. Pinch tube or close it with clamp. प्रोसीजर में हम आगे बढ़ते हैं. मेंटेन द पेशेंट लेफ्ट लेटरल पोजिशन एंड ब्रिंग क्लोज टू द एज ऑफ बेड. सेपरेट द पेशेंट्स बटक टू विजुअलाइज द एनस क्लियरली एंड इंसर्ट द टिप ऑफ ट्यूब अबाउट 4 inches व्हाइल द पेशेंट एक्सहेल अ डीप ब्रीथ. लोअर द फनल बॉवल एंड लेवल ऑफ रेक्टम. नेक्स्ट आएगा into funnel before the funnel is empty. When 200 to 300 ml of fluid has gone inside, pinch the tube before the funnel is completely empty and invert into the bucket and sip siphon of the fluid. Procedure kya hoga? Procedure kaise karenge? When return flow cases, turn the funnel upright and pour more solution. Lower the funnel until air from the tube has been expelled. Then raise the funnel and repeat the procedure. Next, temporarily stop the procedure if the patient develops any discomfort. Continue the procedure until all the fluid ordered has been given or until the return flow is it clear. Next, I can gently remove the rectal tube by pulling it through 3 to 4 layers of rag pieces या tissue papers. Procedure में हम आगे बढ़ते हैं. Discard the tissue papers in the paper bag. Places the funnel with tubing in a kidney tray. Assist patient to a toilet, commode or bedpan. Bring the toiletry and assist for perineal care. Changes the bed linen if soiled. Give comfortable position. Take articles to utility room. Disinfect funnel, tubing, catheter and bucket. Clean, dry and replace. Remove gloves and wash hand. Record the type of procedure. टॉपिक इंसर्शन ऑफ फ्लैटस ट्यूब. फ्लैटस ट्यूब को इंसर्शन कैसे करते हैं. सबसे पहले फ्लैटस ट्यूब या रेक्टल ट्यूब का डायग्राम दे रखा है. इस टाइप सी होती है कुछ. फ्लैटस ट्यूब को इंसर्ट कैसे करेंगे. ए रेक्टल ट्यूब इज इंसर्ट इनटू द रेक्टम. Release the flatulence and gaseous distension of the abdomen. Prepare the client as for enema. Next, place the client in comfortable position. Lubricate the flatus tube and insert about 4 to 6 inches into the anal canal. While the free end is kept under the water in the kidney tray, which the expulsion of the gas which is seen bubbling through the water. Next, the tube is left in lace for not more than 20 minutes longer period lead to permanent sphincter damage. ये कहना चाह रहा है कि ट्यूब को 20 मिनट से ज़्यादा तक हम रेक्टम में नहीं रख सकते हैं. इससे क्या होता है, अगर 20 मिनट से ज़्यादा रखते हैं तो स्फिंक्टर है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं. ट्यूब कैन बी इंसर्टेड री इंसर्टेड एवरी 3 to 4 आवर्स. ट्यूब को अपन री इंसर्ट कर सकते हैं 3 से 4 घंटे में.
थैंक यू। ये होता है इसके लिए आज हमने पढ़ा फ्लैटस ट्यूब इंसर्शन एंड बॉबल इरिगेशन। थैंक यू।